यह एक कारतूस है जिसे मैगजीन में लोड करके बंदूक में लोड किया जाता है। बंदूक में फायर करने के लिए सबसे पहले रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को पीछे खींचा जाता है, जिसके कारण हैमर पीछे आता है, जो कि हैमर स्ट्रट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है, इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सियर है जो हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सियर लिप स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ इंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इसमें बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है, और जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह कारतूस को बैरल में ले जाता है। उसके बाद जब ट्रिगर को दबाते हैं तो हैमर स्लाइडर में लगी फायरिंग पिन से जा टकराता है, जिसके कारण फायरिंग पिन कारतूस को प्राइमर पर स्ट्रैक करती है। प्राइमर में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है जो फायरिंग पिन के टकराने से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे गन पाउडर में आग लग जाती है और वह हाई प्रेशर गैस के कारण तीव्र गति से फायर हो जाती है।